गुड मॉर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स। सो मैं श्रेयस कराड़े, टैलेंट मैनेजर ऑफ आई एच एम गुरुकुल। आज हम कवर करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन रिज्यूम कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट हमको दिख रहा है कि पहले हमने जो फॉर्मेट कवर किए थे तो वो इंटरनेशनल रिज्यूम्स के बाकी के सारे, जैसे न्यूजीलैंड एंड लाइक दमन एंड दीव गल्फ कंट्रीज के लिए एंड क्रूज लाइन के लिए भी। पर ये जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट एंड होटल्स के लिए है। अगर आपको क्रूज लाइन के लिए चाहिए तो उनके लिए भी अलग है। जैसे अगर आपको अलग फॉर्मेट्स उनके लिए चाहिए, किसी हर एक क्रूज का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जो भी गाइडलाइंस होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने बेसिक जो डिटेल्स होते हैं वो उनको कवर किया, पर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में कवर किया वैसे ही यहाँ पर। तो पहले आपका जो आपका नाम एंड आपके उसके बिसाइड जो भी आपका पोजीशन है, करंट पोजीशन आपकी जो भी चल रही है, एंड उसके नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो मोस्टली रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है। जैसे आपका लाइक यहाँ पर कैंडिडेट का जो वर्क एक्सपीरियंस था ये पी एन ओ क्रूज क्रूजेस ऑस्ट्रेलिया में था, एंड इन्होंने प्रमोशंस भी यहाँ पर हुए थे उनके, जैसे कॉमी टू से कॉमी वन एंड डी सी डी पी तक थे। तो 2022 से उन्होंने शुरुआत किया था एंड उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया था एक ही क्रूज लाइन में। तो यहाँ पर आप ऐसे बाइफर्केशन कर सकते हैं अगर आपका एक ही क्रूज लाइन में अगर प्रमोशन हो रहा है आपका। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रखना पड़ेगा, जैसे द मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले एंड उसके बाद सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड उसके बाद जो भी लास्ट मतलब आपने स्टार्टिंग किया था वो सबसे नीचे। एंड लेफ्ट साइड पर आप देख पाएंगे कि जो करियर ऑब्जेक्टिव है आपका, जैसे कि आपको स्पेसिफिकली क्रूज लाइन में आपको चाहिए या फिर आपको लाइक किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में चाहिए, तो उस सेक्शन का आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर उन्होंने उनका मोस्टली स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑपरेशंस एंड ग्रिलिंग में था, क्योंकि वो ग्रिलिंग मैन उन्होंने स्पेसिफाई किया कि मैं ग्रिलिंग अच्छा करता हूँ एंड जो भी उनका सेक्शन है। तो मैंने यहाँ पर उनका ग्रिलिंग के जो भी प्रोफेशनल स्किल्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव तो वहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डाली थी। तो मोस्टली जो एचआर मैनेजर यहाँ पर उनका रिज्यूम गो थ्रू करेगा तो वो देखेगा कि ये जो सीडीपी रोल है या फिर जो डीसीडीपी ये जो कैंडिडेट है तो वो मोस्टली इस सेक्शन में ज़्यादा सूट करेगा। एंड अगर जो भी इंटरव्यू उनके स्किल्स होंगे तो अकॉर्डिंगली उनको पोजिशन मिल जाएगी यहाँ पर। एंड नीचे देख पाएंगे कि आप कॉन्टैक्ट सेक्शन है तो वो कॉन्टैक्ट में दो नंबर यहाँ पर दिए, एक अल्टरनेट नंबर अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो, एंड दूसरा जो जी मेल आई डी है वो आपका एक्टिव ई मेल आई डी आपको रखना पड़ेगा। मोस्टली जी मेल ही प्रेफर कीजिए क्योंकि लाइक सेफ्टीज एंड लाइक स्पैम बॉक्स के लिए मतलब वो अच्छा होता है। एंड जो आपका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस है या फिर जो आपका करंट होम टाउन एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप वर्क एड्रेस लिखना चाहते हैं मतलब जो अभी आप वर्किंग एड्रेस है तो वो भी आप लिख सकते हो, वो आपको ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख पाएंगे कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके क्या क्या थे आपके जॉब टेन्योर के दौरान, जैसे एबिलिटी टू हैंडल असाइन सेक्शंस इंक्लूडिंग पैंट्री या लगाते एंड बफेट एट डेल्टिन होटल्स एंड कॉमिस कुक। तो यहाँ पर तीन चार पॉइंट्स या फिर आप मोस्टली 5 to 6 पॉइंट्स तक आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने रिज्यूम दो ही पेज का मतलब हमको रखना था, जो हमने लाइक लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पर हमने रख दिए थे। एंड नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स होंगे, यहाँ पर आपको कलनरी स्किल्स एंड बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, एबिलिटी वर्किंग एट सी, तो जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो एचआर मैनेजर चाहता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में वो आपको यहाँ पर ज़्यादा इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड मतलब जितने ज़्यादा डिटेल आप स्पेसिफाई करोगे तो उतना वो अच्छा होगा, क्योंकि आप जेनेरिक इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो वो आपको स्टैंड आउट नहीं करेगा जो भी बाकी के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेसिफाई करो आपकी स्किल्स एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, एंड जो भी आपकी स्पेशलिटी एंड एक्सपर्टीज है वो आपको लाइक आगे रखनी पड़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो एचआर मैनेजर वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि आप किस पोजीशन में ज़्यादा फिट होंगे। एंड उसके बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पर आप हमने नेशनलिटी एंड मैरिटल स्टेटस ही यहाँ पर लिखा है। फादर्स नेम हम नहीं करोगे तो भी चलेगा। हॉबीज़ भी यहाँ पर ऑप्शनल है तो हमने हॉबीज़ भी नहीं इंक्लूड की। आपकी जो भी अचीवमेंट्स है रेलिवेंट तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, से यहाँ पर कैंडिडेट का फूड एंड न्यूट्रिशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन था, तो अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेशन भी कर रहे हो तो वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ही प्राइज़ ही आपको लाना है कि मतलब फर्स्ट प्राइज़ ही लाना है सेकंड प्राइज़ लाना है, अगर आप पार्टिसिपेशन या फिर एप्रिसिएशन लेटर भी आपके पास है तो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड दूसरा कि डोमिनोज जूनियर पिज़्ज़ा मेकर सर्टिफिकेट उनके पास था तो वो हमने इंक्लूड किया। बेसिक कंप्यूटर स्किल जैसे आपको एम एस ऑफिस आती है या फिर कोई फ्रंट ऑफिस का अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है इससे ओपेरा या फिर कोई पी ओ एस सॉफ्टवेयर आता है आपको तो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। एंड अगर कोई आप उसका सर्टिफिकेट भी आपका एंड यहाँ पर ग्रेड्स उसका है तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ पर। एंड ये सेक्शन में लैंग्वेजेस पार्ट में आपका जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है जैसे हिंदी इंग्लिश तेलुगु या फिर बंगाली, तो यहाँ पर आप 3 या 4 लैंग्वेज या फिर बाच भी आता है आपको तो जितने लैंग्वेज आते हैं आपको स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड अगर आप सिर्फ रीडिंग आती है तो सिर्फ 33%, अगर आपको रीडिंग एंड स्पीकिंग आती है एक ही लैंग्वेज में तो 66%, अगर आपको तीनों
रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग आती है तो आप 100% यहाँ पर रख दो जो भी लैंग्वेज आपको आती है। एंड एजुकेशन सेक्शन में यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखो क्योंकि यहाँ पर आपको फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, तो ही HR मैनेजर रिकग्नाइज कर पाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेशन कौन सा लाइक टेन्योर का था, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो काम आएगा। तो ये था कि दो पेज का रिज्यूम एंड यहाँ पर जो PDF के फॉर्मेट है हमको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको लाइक JPG का ही फॉर्मेट है यहाँ पर आपके जॉब पोर्टल पर, तो आपको एक ही पेज में सब समराइज करना पड़ेगा, तो उस वक्त में आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स को थोड़ा और कंप्रेस करना पड़ेगा। तो एक ही जो पेज है तो हम यहाँ पर हम कंप्रेस करेंगे, तो आप डायरेक्टली JPG में डाउनलोड कर सकते हैं फिर PNG में, तो एक तो वो फोटो टाइप लाइक इमेज टाइप वो डाउनलोड हो जाएगा एंड आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट हमने डाउनलोड किया था एंड जो कैंडिडेट है वो उन्होंने अप्लाई किया था या फिर जो रेफरेंस थे उनके जो भी थे एम्प्लॉइज अलग अलग क्रूज में तो उन्होंने यहाँ पर सेंड किया था। तो यहाँ पर आप PDF फॉर्मेट में भी दो पेज का बना सकते हो या फिर एक ही पेज में सब समराइज भी कर सकते हो। तो हम जो दूसरा फॉर्मेट देखेंगे बाद में लाइक रॉयल कैरेबियन क्रूज के लिए एंड जो भी न्यूजीलैंड क्रूज के लिए, तो हम वहाँ पर आपको कवर करेंगे एक ही पेज में हम कैसे समराइज कर सकते हो। अगर कुछ इसके रिलेटेड आपके डाउट्स हैं एंड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको लाइक इंटरनेशनल रिज्यूम्स या फिर डोमेस्टिक रिज्यूम्स का आपको बनाना है किसी भी फॉर्मेट एंड किसी भी कंट्री के लिए, तो हम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपको, जैसे व्हाट्सअप नंबर हमने अटैच किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड जो भी आपको हेल्प लगेगी एंड जो भी गाइडेंस लगेगा जिस आपको की एंड कुछ भी हायरिंग क्वेरीज भी आपको आएंगे तो हम आपको असिस्ट करेंगे वहाँ पर। अगर कुछ क्वेरी है तो हम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।